जय स्वामी नारायण। घनश्याम महाराज अपने मित्रों के साथ नदी किनारे खेल रहे थे। वहाँ एक मनसुख मच्छीमार मछली पकड़ रहा था। बहुत बड़ी मछली कोई भी ना बच पाएगी, मछली बड़ा ज्यादा है कोई भी ना बच पाएगी मछली। आए जा सभी आए जा। अरे बहुत भारी है भाई। अरे तू कहाँ चली? सभी मछलियों को नदी किनारे रख कर फिर मछली पकड़ने गया। घनश्याम महाराज झूला झूल रहे थे। उसकी नजर मछलियों पर पड़ी। घनश्याम महाराज ने सभी मछलियों को जिंदा कर कर सभी मछली तालाब में चली गई। बहुत बड़ी मछली कोई भी ना बच पाएगी, मछली बड़ा जाल है कोई भी ना बच पाएगी मछली। आए जा सभी आए जा। अरे बहुत भारी है भाई। ये का पूरा का पूरा जाल खाली? चलो कोई बात नहीं, आज हमारे भाग्य में जितनी थी आज हमको उतनी मिल गई। घर जाकर थोड़ा आराम करेंगे। बहुत बड़ी मछली कोई भी ना बच पाएगी मछली। हाँ ये का पूरा टोकरा खाली? अरे ओ घनश्याम, हमारी मछली कहाँ गई? यहाँ टोकरे में रखी थी। हो कावा, घनश्याम ने कहा, मनसुखा लगता है तेरी मछलियाँ उड़ गई। हाँ भाई हाँ, आजकल भी मछलियाँ उड़ने लगी हैं। जरूर पंछियों ने उसे उड़ना सिखाया होगा। हाँ दया रे दया, तू क्या बोला कि मेरी मछलियाँ उड़ गई और तू बोला कि मछलियों को पंख लग गए और तू बोला कि मछलियों को पंछियों ने उड़ना सिखाया। अरे डेढ़ हाथ के बच्चे मुझे सिखाता है? वही रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। रुक। तभी घनश्याम ने कहा, मछलियाँ तेरी नहीं भगवान की है। भगवान ने उसे बनाया है, उन पर तेरा नहीं भगवान का ही अधिकार है। अगर तुम मछलियों को जिंदा नहीं कर सकते तो तुम्हें उन्हें मारने का कोई अधिकार नहीं है। प्राणियों पर दया पुण्य है, जो पाप करता है उसे पाप का फल भुगतना ही पड़ता है। Never hurt any animal to everyone anytime. That means केनापि केशांपि प्राणिनां हिंसा कदापि न कर्तव्य। आथी आपने बोध मळे छे कि कोई पण जीवने हिंसा करवी जोईए नहीं। जय स्वामी।